डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन दीरिज ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकलउट दिस इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स ये हमारा पार्ट uh, थ्री हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स में जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में वट इज थर्मोग्रेवीमेट्रिक एनालिसिस इसको हम टीजीए भी कहते हैं ओके okay? तो टीजीए के थ्रू हम क्या स्टडी करेंगे आप देखेंगे ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम चेंज इन वेट देखते हैं उस सब्सटेंस को हीट करेंगे या कूल cool करेंगे ओके okay? और यानी टेम्परेचर या टाइम के साथ हम किसी सब्सटेंस का वेट में चेंज देखेंगे इस टेक्निक को हम कहते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पर आप देखेंगे कि यहां पर आप देखिए चेंज इन वेट ओके चेंज इन वेट इज द फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर तो टेम्परेचर के साथ साथ हम या टाइम के साथ अगर वेट का चेंज देखें तो इस मेथड को हम कहते हैं थ्रावो एनालिसिस ओके देन यहां पर आप देखेंगे एक्चुअली होता क्या है बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं सॉलिड जो कि डिफरेंट गैसेस बाई प्रोडक्ट देते हैं तो ये क्या होते हैं जैसे जैसे हम किसी substance को हीट करेंगे तो ये रिमूव होते हैं और जैसे ये रिमूव होंगे तो ये सैंपल के मास को क्या करेंगे चेंज कर देंगे तो चेंज इन जो मास है वो रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है बच्चों होता ये है कि समटाइम्स सम सब्सटेंसेस सारे सब्सटेंसेस का टीजीए करना कठिन है कुछ सब्सटेंसेस जो कि टेम्परेचर के साथ या समय के साथ आप कह सकते हैं वैसे हम इसको टेम्परेचर के साथ करते हैं नाम इसका थर्मोग्रेवीमेट्रिक है क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेविमेट्री मीन्स हम वेट को मेजर करते हैं और अगर हम थर्मो कह दें तो ये टेम्परेचर के साथ साथ वेट में क्या चेंज आ रहा है उसको हम देख रहे हैं वेट में चेंज क्यों आ रहा है वेट में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो बाई प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज होते हैं इसलिए जो कंपाउंड होता है जो सब्सटेंस होता है जनरली उसका वेट क्या होता है वो डिक्रीज होता जाता है तो जनरली डिक्रीज होता जाता है या जो भी वेट में चेंज आएगा उसको हम नोट करेंगे तीन तरीके के वेरिएशंस जनरली एम्प्लॉय किए जाते हैं यहाँ पर तो एक जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसको हम कहते हैं डायनेमिक डीजीए डायनेमिक टीजीए में क्या करेंगे कि जो मास होगा या वेट होगा सब्सटेंस का उसको रिकॉर्ड करेंगे विद चेंज इन टेम्परेचर तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे टाइम के साथ तो हम इसका मास जब देखेंगे तो ये डायनेमिक डीजीए है स्टैटिक okay. टीजीए क्या है स्टैटिक टीजीए है थर्मोग्राफी एनालिसिस जहां पर मास ऑफ सब्सटेंस को टाइम के साथ मेजर करेंगे और टेम्परेचर को क्या रखेंगे कांस्टेंट तो स्टैटिक स्टैटिक का हमने जो एक जगह पर स्थिर है स्थिर का किसके हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे उसके साथ हम टाइम के साथ मास को मेजर करेंगे ये स्टैटिक टीजीए टेक्निक होगी और जो क्वास्टेटिक होगी टेक्निक होगी टीजीए उसमें क्या करेंगे सैंपल को मल्टीपल टेम्परेचर इंटरवल में हीट करेंगे ओके जब तक वेट कांस्टेंट ना हो जाए प्रत्येक इंटरवल में तो हमने क्या किया एक टेम्परेचर दिया उस टेम्परेचर में उसको देखा ओके okay, अलग अलग टेम्परेचर इंटरवल पर देखा और हर टेम्परेचर इंटरवल पर हमने उसका कांस्टेंट वेट देखना है तो जनरली जो जो ज्यादातर जो, जो टेक्निक यूज की जाती है वो है डायनेमिक टीजीए तो डायनेमिक टीजीए टेक्निक जो है वो अधिकतर यूज करी जाने वाली थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक है देखेंगे कि थर्मो एनालाइजर क्या होता है किस ए, ए, किस एपरेटस के थ्रू हम थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं तो थर्मोडाइनेमिक जो, जो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइज होता है वो जनरली उसमें जो, जो मेन जो उसका जो पार्ट है दैट इज थर्मो बैलेंस ओके तो थर्मो बैलेंस तो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या करना है हमें वेट मेजर करना है टेम्परेचर के साथ तो इसलिए इसमें क्या होता है एक प्रिसीजन बैलेंस होता है और ये बैलेंस में आप देखेंगे ये जो एक फर्नेस के अंदर एक बैलेंस होगा और ये जो फर्नेस होगी ये क्या होगी प्रोग्रामेबल टेम्परेचर रेंज की होगी अलग अलग टेम्परेचर को हम सेट कर सकते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर इसका वेट देख सकते हैं तो क्या होगा कि ये जो अप्रेटस है इसका स्पेशली इसमें एक फर्नेस होगी वो फर्नेस में हम टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर को प्रोग्राम कर सकते हैं और उसके अंदर एक क्या होगी प्रिसीजन बैलेंस होगी और उस बैलेंस से डिफरेंट टेम्परेचर पर वी कैन मेजर दी वेट ओके टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी हमें टेम्परेचर प्रोग्रामिंग यानी जैसे मैंने कहा कि 10 टाइम डिग्री टेम्परेचर रहे फिर 40 हो जाए फिर 50 हो जाए दो मिनट के बाद वो 40 हो जाए देन 10 मिनट के बाद वो 50 हो जाए तो ऐसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बाद देन दिस प्रेसिजन बैलेंस कैन मेजर द वेट ओके नाउ द कलेक्टेड थर्मोग्रेविमेट्रिक जो डाटा होगा उससे एक प्लॉट हमें मिलता है वो प्लॉट किसके बीच में मिलेगा वेट ऑफ द सब्सटेंस जो कि वाई एक्सेस पे होगा और एक्स एक्सेस पर या तो टेम्परेचर होगा या टाइम होगा ओके इस प्लॉट को हम क्या कहते हैं टीजीए कर्व थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व एक्चुअली इसको हम टीजी कर्व भी कहते हैं टी जी ए कर्व भी कहते हैं तो ये कर्व क्या है किस किसके बीच में है एक तो वेट ऑफ सब्सटेंस जो कि वाई एक्सेस में होगा एंड टेम्परेचर और टाइम कुछ भी हम ले सकते हैं टेम्परेचर या टाइम जो कि एक्स एक्सेस में होगा एक टिपिकल टीजी कर्व है टीजी कर्व ये है थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व और इस कर्व से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आप देखेंगे ये कर्व इन बिटवीन वेट एंड टेम्परेचर टेम्परेचर हम यहाँ पर ले सकते हैं या हम टाइम ले सकते हैं तो ये प्लॉट होगा वेट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर आपको कुछ टेम्परेचर्स लिखे हुए दिख रहे हैं टी आई टी इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल एंड टेम्परेचर फाइनल ओके तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो टी आई है जो कि इनिशियल टेम्परेचर है ये टेम्परेचर क्या होता है ये वो टेम्परेचर है ये लोएस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर मास चेंज इस मैग्नीट्यूड पर पहुंच जाता है कि वो डिटेक्टेबल होता है थ्रू थर्मो बैलेंस तो इस टेम्परेचर पर मास या वेट सब्सटेंस का बैलेंस मेजर कर सकता Okay? और एक आप देख रहे हैं फाइनल टेम्परेचर ये फाइनल टेम्परेचर क्या है कि यहाँ पर जो वेट चेंज है वो मैक्सिमम पहुंच जाता है इसके बाद कोई वेट चेंज नहीं है देखिए जो इनिशियल टेम्परेचर है यहां से वेट चेंज होना शुरू हो रहा है और जो टी एफ है फाइनल टेम्परेचर है इसके बाद वेट चेंज नहीं होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट कांस्टेंट है जो टी आई है यहां से वेट कम होना शुरू हुआ और फाइनल टेम्परेचर के बाद ये वेट चेंज नहीं होगा तो फाइनल टेम्परेचर जहां पर जितना भी चेंज होना था हो गया है और इनिशियल टेम्परेचर जहां पर वेट चेंज होना शुरू हुआ है और उसको बैलेंस जो है वो मेजर कर पा रहा है ओके अब यहाँ पर आप देखिए ये आपको प्लेट्यू दिखाई दे रहा है कांस्टेंट यानी यहाँ पर कोई भी वेट चेंज नहीं हो रहा है एक प्लेट्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो जहां पर प्लेट्यू है वहां पर कोई भी वेट चेंज नहीं हो रहा है एक आप देखेंगे रिएक्शन इंटरवल इस कर्व से हमें जानकारी मिलेगी रिएक्शन इंटरवल के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे जो टेम्परेचर है टी आई एंड टी एफ जो टी आई और टी एफ के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरवल हमें इससे क्या जानकारी मिलेगी इस टीजी कर्व से हमें पता चलेगा कि अगर वेस, वेट वेट लॉस होता है किसी भी सब्सटेंस का तो ये देखिए वेट लॉस हो रहा है यहाँ पर तो ये वेट लॉस ये क्यों है इट इज ड्यू टू दी इवेपोरेशन और डिकम्पोजिशन या तो इवेपोरेशन होगा या डिकम्पोजिशन की वजह से ये वेट चेंज होगा अगर कहीं पर किसी टेम्परेचर पर कोई लॉस नहीं हो रहा है मतलब वहां पर वो सब्सटेंस क्या है स्टेबल है तो ये जानकारी हमें इस से मिलेगी जहां पर कोई भी वेट में चेंज नहीं है मतलब कंपाउंड स्टेबल है अप टू दैट टेम्परेचर और अगर वो कंपाउंड जो है वो वेट में चेंज दिखा रहा है मतलब उस टेम्परेचर रेंज पर वो स्टेबल नहीं है अब आप देखिए ये जो टीजी कर्व है ये है कॉपर सल्फेट का कर्व से हमें जानकारी मिलेगी कि जो कॉपर सल्फेट है वो हीट करने पर किस तरीके से बिहेव करता है तो आप देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है सी ओ फोर फाइव एच टू तो यहाँ पर आप देखिए ये 90 से अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे हीट करेंगे तो इसमें से चार वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए तो आप देखिए यहां पर 90 से Uh, 150 के आसपास आप देख सकते हैं वेट लॉस हुआ है क्योंकि चार एच टू निकल गए हैं इसलिए आप देख रहे हैं कि वेट में क्या आ रहा है डिक्रीज आ रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अब आप देखिए कॉपर सल्फेट 200 से 275 तक एक वाटर मॉलिक्यूल और निकल गया तो 200 से 205 पर थोड़ा सा आप देखेंगे uh, वेट लॉस होगा देन आफ्टर टू हंड्रेड फाइव टू सेवन हंड्रेड अब आप देखिए 275 से 700 तक कोई भी वेट में चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पर केवल सीयूएसओ होगा और जैसे ही टेम्परेचर 700 पर आएगा तो आप देख रहे हैं एकदम से वेट लॉस हो गया तो 700 से 900 तक आप देख रहे हैं रिएक्शन क्या हुई कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया आप देख रहे हैं वेट लॉस हुआ है तो वेट लॉस कहाँ से 700 से 900 तक वेट लॉस हुआ है फिर आप देखिए 900 से कोई वेट लॉस नहीं होगा थाउजेंड तक देन थाउजेंड पर आप देखिए सी यू ओ टू ओ में कन्वर्ट हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि वेट में फिर से कुछ चेंजेस दिखाई देंगे तो ये जो टीजी कर्व है ये हमें बताता है कि ये रिएक्शन इस तरीके से हो रही होगी कि यहाँ पर लॉस हो रहा है चार एच का तो वेट में डिक्रीज दिखाई देगा जहां पर देखिए दो सौ पिछहत्तर से सात सौ तक कोई भी वेट में चेंज नहीं हो रहा है तो आप देखिए यहाँ पर कोई वेट लॉस नहीं मतलब इस पोर्शन पे ये जो कॉपर सल्फेट है वो 200 से 275 तक तो ठीक है बट आफ्टर 275 हंड्रेड टू सेवन ये स्टेबल है जीरो क्या है स्टेबल है मतलब हम कॉपर सल्फेट को अगर सेवन टू सेवनटी फाइव के बाद सेवन हंड्रेड तक हीट करें तो ये स्टेबल रहेगा लेकिन सात सौ डिग्री के बाद अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इसका मतलब है कि टू सेवनटी फाइव से सेवन हंड्रेड के बीच में हम इसे कहीं पर भी हीट कर सकते हैं ये कोई इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा मतलब अगर हम इसे हीट करना चाह रहे हैं तो हम इस बीच में इसको हीट कर सकते हैं तो ये इंफॉर्मेशन हमें टीजी कर्व से मिलती है हम देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टीजी कर्व को अफेक्ट करते हैं टीजी कर्व को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स नंबर वन है हीटिंग रेट तो हम किस रेट से उस सब्सटेंस की हीटिंग कर रहे हैं वो टीजी कर्व को अफेक्ट करता है Okay. तो आप देखिए इससे हमें क्या फायदा है एक्चुअली बच्चों जो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उससे अगर हमें किसी सब्सटेंस की स्टेबिलिटी जाननी है कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये स्टेबल होगा वो हम पता कर सकते हैं हीटिंग रेट देखिए अगर हम फास्टर हीटिंग रेट रखेंगे तो डिकम्पोजिशन जो है वो हायर टेम्परेचर पर होगा ओके okay. हीटिंग रेट का क्या इफेक्ट है बच्चों हीटिंग रेट कैसे अफेक्ट करता है जितना अधिक फास्ट हीटिंग रेट होगा उतना डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या होगा हायर होगा तो जैसे स्टाइल पॉली का डिकम्पोजिशन अगर हम देखें टेन परसेंट का तो फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट अगर हम रेट रखेंगे हायर रेट रखेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर थ्री नाइनटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर ये रेट लोअर रखेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या है कम है ओके और रिवर्सिबल रिएक्शन पर इस हीटिंग रेट का इफेक्ट बहुत कम होता है हीटिंग uh, रेट uh, जो पोजीशन ऑफ इंटरमीडिएट है उसको भी अफेक्ट करते हैं देखिए जैसे निकल सल्फेट है निकल सल्फेट को अगर हम 2.5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से हीट करेंगे तो देखिए एक एच टू ओ रह गया है छ एच टू ओ इसमें से बाहर हो गए लेकिन अगर इसी रेट को हम चेंज कर दें तो इंटरमीडिएट भी चेंज हो जाते हैं देखिए इंटरमीडिएट पहले सिक्स एच टू ओ देन फोर एच टू देन टू एच टू देन एच टू तो आप ये देखिए ये अगर हम पॉइंट सिक्स डिग्री पर मिनट के हिसाब से हीटिंग करेंगे तो इंटरमीडिएट कुछ और है आप यहाँ पर देख सकते हैं थ्री इंटरमीडिएट्स हैं लेकिन अगर हम टू पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से इसको हीट करेंगे तो इंटरमीडिएट कोई नहीं है तो क्या होगा इंटरमीडिएट्स भी बदल जाते हैं अगर हम हीटिंग रेट को चेंज करेंगे दूसरा फैक्टर है हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट करती है टीजी कर्व को तो अगर रिएक्शन uh, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तो वो क्या करती है चेंजेस द हीट विच फर्दर चेंजेस दी थर्मोग्राम इसको हम थर्मोग्राम भी कहते हैं बच्चों थर्मोग्राम है ये जो टीजी कर्व है इसको हम थर्मोग्राम भी कहते हैं तो ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो चेंज करती हैं थर्मोग्राम को चेंज कर देती है Next uh, factor is furnace atmosphere. जो फरस है जहां पर हम हीटिंग कर रहे हैं सब्सटेंस की उसका एटमॉस्फेयर क्या है मतलब वहां पर किस तरीके की गैसेस है तो जैसे सराउंडिंग एन्वायरमेंट है वो इफेक्ट करता है टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन को तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर हायर होता है इन प्रजेंस ऑफ सी और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर लोअर होता है इन प्रजेंस ऑफ एन तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है सी और सी में तो आप देखेंगे अगर एटमोसफेयर में यानी फर्नेस के अंदर अगर CO2 होगी तो आप देख सकते हैं CO2 यहाँ पर रिलीज हो रही है तो अगर CO2 रिलीज हो रही है तो क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में आसानी से नहीं होगा क्योंकि CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसलिए CaCO3 का डीकंपोजिशन क्या होगा हायर टेंपरेचर पर होगा CO2 ऑलरेडी बन रही है तो CO2 बन रही है और CO2 अगर हम बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी क्योंकि सीओ टू का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है और बढ़ रहा है तो इसलिए सी ए थ्री का जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और अगर ये इंक्रीज हो गया तो थर्मोग्राम भी क्या होगा चेंज हो जाएगा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सैंपल होल्डर यानी जो क्रूसिबल जिसमें हम सैंपल को रखते हैं उसकी ज्योमेट्री भी अफेक्ट करती है टीजी कर्व को अगर फ्लैट शेप्ड क्रूसिबल क्रोसीबिल क्रूसिबल जिस जो कांच की होती है जिसमें हम सैंपल रखेंगे अगर वो फ्लैट शेप की होगी तो ये सही अच्छी होती है बजाय कौन शेप की क्रूसिबल के ओके okay? क्योंकि जो फ्लैट शेप की जो क्रूसिबल होगी इसमें रैपिड गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन सैंपल एंड सराउंडिंग सराउंड मीन्स जो फर्नेस का जो एटमोस्फेयर है उसकी बात कर रहे हैं हम तो फ्लैट शेप्ड क्रोसेबिल में अच्छी हीटिंग होती है अच्छा एक्सचेंज होता है तो इसलिए जो क्रोसेबल का शेप है वो भी इफेक्ट करता है टीजी जी को ओके okay? फैक्टर जो कि हीटिंग को इफेक्ट करेगा वो टीजी जी कर्व को भी इफेक्ट करेगा नेक्स्ट फैक्टर है करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल्स तो सैंपल्स की करेक्टरिस्टिक भी अफेक्ट करती है टीजी कर्व को इसमें पहले जो करेक्टरिस्टिक है वो वेट अगर हम स्मॉल सैंपल लेंगे कम वेट का सैंपल लेंगे कम लेंगे वेट मतलब सैंपल uh, का तो आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट्स को डिटेक्ट करना आसान होता है तो लार्ज सैंपल नहीं लेना है हमें क्या लेना है स्मॉल सैंपल लेना है तो स्मॉल सैंपल से स्टडी करना आसान होता है अगर हम कॉम्पैक्ट सैंपल लेंगे कॉम्पैक्ट मतलब जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा नजदीक नजदीक जिसके मोलिक्यूल्स होंगे वो हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है और अगर हम लार्ज पार्टिकल साइज लेंगे तो वो भी क्या होता है हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है ओके अब सैंपल सोर्स अगर हम देखेंगे तो वो भी अफेक्ट करता है टीजी कर्वो को कि कौन सा सैंपल सोर्स है जैसे अगर हम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड नेचुरल लेंगे तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिकम्पोज होगा एज कम्पेयर टू द सिंथेसाइज एम जी ओ एच का होल्डवाइज तो नेचुरली अकरिंग एम जी ओ एच का थर्मोग्राम कुछ और आएगा और जो हम कंपोज करेंगे जो हम बनाएंगे उसका थर्मोग्राम कुछ और होगा तो जो कंडीशंस हैं किस कंडीशन में सैंपल बनाया गया है उस वो भी इफेक्ट करता है टीजी कर्व को अगर हम टीजी कर्व के जो टीजीए टेक्निक है अगर इसकी एडवांटेजेस देखें क्या क्या इसके फायदे हैं तो बहुत फायदे हैं। फिजिकल फिनोमिना को स्टडी करने के में हेल्पफुल है फिजिकल फिनोमिना जैसे फेस ट्रांजिशन है एड्जॉप है एडजॉपन है डिजॉप्शन इनको स्टडी करने के काम आता है केमिकल फिन को स्टडी करने के काम आता है जैसे केमीज ऑप्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन है ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है इनको स्टडी करने के भी काम आता है थर्मोग्राफी मेट्रिक एनालिसिस मटेरियल के कंपोजिशन को पता करने के काम आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने के काम आएगा परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन पता करने के काम आएगा और ये इसीलिए डिफरेंट पॉलीमेरिक मटेरियल जो हम सिंथेसाइज करते हैं उनकी कंपोजिशन को पता लगाने के काम आता है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जैसे क्या कंपोजिट्स हैं इलास्टोमर्स क्या है फाइबर्स के कंपोजिशन को फ्यूल के प्लास्टिक फिल्ड पेंट्स थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेट्स की स्टडी के काम आता है टीजीए टेक्निक यहाँ पर हम ए, कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्राइंग टेम्परेचर को आ, किस आ, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस ड्राई हो सकता है उसको पता लगाने में हेल्पफुल है सो इवेल्युएशन ऑफ करेक्ट ड्राइंग टेम्परेचर कैन बी डिटरमाइंड कैन बी डन विद हेल्प ऑफ थर्मल ओके तो थर्मल एनालिसिस काम आता है ये जैसे यहाँ पर टीजी कर्व दिया हुआ है सिल्वर क्रोमेट का तो देखिए ये टीजी कर्व आप देख सकते हैं यहां पर आपको इनिशियली क्या लग रहा है कुछ डिक्रीज हो रहा है वेट और फिर आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंट हैं देना कैन डिक्रीज तो अगर हम सिल्वर क्रोमेट को लें तो आप देखिए इनिशियल लॉस जो है वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से है यानी वाटर इवेपोरेट होता है फिर आप देखिए नाइनटी टू टू एट वन टू डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कॉन्स्टेंट है यानी कोई चेंज नहीं आ रहा है स्टेबिलिटी है इस कंपाउंड की फिर आप देखिए ये आफ्टर एट ट्वेल्व ये डिक्रीज हो रहा है लॉस हो रहा है वेट में वेट में लॉस क्यों हो रहा है क्योंकि ये जो कंपाउंड था वो इसमें डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब है कि ये ऐसी रेंज है नाइन्टी टू डिग्री से एट वन टू डिग्री सेंटीग्रेड ऐसी रेंज है जहां पर ये एजी टू सी आर ओ फोर क्या होता है स्टेबल होता है तो हम इसको अगर ड्राई करना चाहें तो हम इस टेम्परेचर के बीच में कहीं पर भी इसको ड्राई कर सकते हैं क्योंकि ये यह यहाँ पर डिकम्पोज नहीं होता है तो हमें क्या पता लग जाएगा ड्राइंग टेम्परेचर किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम ए जी टू सी आर ओ फोर को ड्राई कर सकते हैं इसी का थर्मल एनालिसिस एक इसका एडवांटेज है और इसके अंदर हम और क्या बता सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी एंड प्योरिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, जैसे आप जानते होंगे कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जनरली हाइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन इजिली एब्स ऑफ मॉइस्चर वो आसानी से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं ओके तो इन सेकेंडरी uh, सब्सटेंसेस का ड्राई टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ डीजी कर्व किसी का भी हम पता कर सकते हैं तो ऐसे ही जो सेकेंडरी सब्सटेंस है जिनका हम स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो आसानी से ड्राई किए सकते हैं वो हम टीजी कर्व की हेल्प से कर सकते हैं जैसे ईडीटीए है जो कि डाई सोडियम है ईडीटीए का डाई सोडियम सोल्ट ईडीटीए का अगर हमको ड्राई करना है तो हम उसको एटी डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ये यह क्या होता है स्टेबल होता है थर्मल एनालिसिस एक जो इसकी एडवांटेज है उसकी एक एडवांटेज और है कि हम क्यूरी पॉइंट डिटरमिनेशन कर सकते हैं अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि जो क्यूरी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होता है जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल जिसके बाद पेरा मैग्नेटिक मटीरियल की तरह एक्ट करता है तो उस टेम्परेचर को हम निकाल सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटीरियल के लिए तो क्यूरी टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ डी जी कर ओके okay. पर हम क्या करेंगे जो थर्मोग्राम होगा इसको हम जो स्टडी कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्टडी करते हैं अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करें तो वो क्या करेगा अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को लॉस करता है उसका इट लूजेज इट इट्स अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्नॉग मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर ये पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा और इसलिए ये क्या करेगा इसका क्या हो जाएगा वेट लॉस होगा तो इट शोज अ शार्प अपेरेंट वेट लॉस जनरली फर्नेस पर भी डिपेंड करता है जनरली ये लॉस होता है एंड दिस एक्स्ट्रापोलेटेड पॉइंट इज कॉल्ड एज द क्यूरी टेम्परेचर जहां पर लॉस होगा उस जहाँ से लॉस होना शुरू हो जाएगा वो टेम्परेचर क्या होगा आ, वो होगा आ, क्यूरी टेम्परेचर क्योंकि ये अपना वेट लॉस करेगा इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की इन मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर सम टेम्परेचर तो इसलिए जो है उसके बाद हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर चेंज हुआ है वो क्या है क्यूरी टेम्परेचर है दूसरा जो इसका फायदा है वो है कंपोजिशनल एनालिसिस इसकी हेल्प से जो जो एनालिसिस है इसकी हेल्प से हम एनालिसिस एनालिसिस कंपोजिशनल मतलब कंपोजिशन का पता कर, लगा सकते हैं कि यानी हम इसको एलॉय एनालिसिस में हेल्पफुल है ये जैसे हम एक एलॉय ले रहे हैं सी यू ए जी जिसमें कॉपर और ए जी एलॉय है उसकी उस, हेल्प से हम ए, इस कॉपर और ए जी के कंपोजिशन uh, का पता लगा सकते हैं कि इसमें कॉपर भी है और सिल्वर भी है इसको हम टी जी कर्व से एक्सप्लेन कर सकते हैं अब जहाँ पर कॉपर और सिल्वर एलॉय की बात करेंगे इसको हम रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ नाइट्रेट्स की बेसिस पर हम इसको समझा सकते हैं ओके okay? तो ये इसका टी जी कर्व है आप देखेंगे यहाँ पर हमने केवल कॉपर नाइट्रेट का टी जी कर्व दिखाया यहाँ पर केवल सिल्वर नाइट्रेट का टी जी कर्व दिखाया है और यहाँ पर मिक्सचर है ये मिक्सचर जिसमें कि हम कह सकते हैं कि कॉपर भी है और सिल्वर भी है अगर आप AgNO3 थ्री का थर्मोग्रेवी जिस डीजी कर्व देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अप टू फोर सेवेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड AgNO3 एनो थ्री क्या है स्टेबल है और इसके बाद क्या होगा ये डिकम्पोज होना शुरू होगा डिकम्पोज होगा तो इसमें से एनओ टू एंड ओ टू निकलेगी सो तो फोर सेवेंटी फाइव से सिक्स जीरो एट तक इसमें वेट लॉस होगा एंड आफ्टर सिक्स जीरो एट आप देख रहे हैं ये फिर से कांस्टेंट होने लगेगा ओके क्योंकि यहां पर मेटेलिक सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये स्टेबल मेटेलिक सिल्वर होगा ही अगर हम कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कर्व देखेंगे टीजी कर्व देखेंगे तो आप देखेंगे दो डिकम्पोजिशन के बाद ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ओके तो सेवन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्या होगा कॉपर ऑक्साइड स्टेबल हो जाएगा का मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखिए चार सौ फाइव पर फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव के बाद एजी एन डिकम्पोज हो जाएगा ओके uh, okay. और uh, जो uh, जो कॉपर नाइट्रेट है वो कम्प्लीटली 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डिकम्पोज होगा मतलब चार से पहले ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे एजी एनओ थ्री भी कॉपर नाइट्रेट भी एग्जिस्ट करेगा तो इस पर्टिकुलर यानी एक टेम्परेचर हम ले सकते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जहां पर ए जी एन थ्री भी होगा और सी यू एनओ थ्री का होल ट्वाइस भी होगा तो यहां पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम इस एलॉय को एनालिसिस क्या कर सकते हैं कर सकते हैं तो क्योंकि आपने देखा 475 के बाद तो नो हो जाएगा सेवन uh, 700 के बाद uh, कॉपर नाइट्रेट तो यानी फोर हंड्रेड फाइव से पहले दोनों होंगे तो दोनों का एक एलोय में हम एनालिसिस कर सकते हैं फोर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर तीसरा जो फिनोमिना है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ डी जीकर वो है फिजिकल फिनोमिना ओके फिजिकल फिनोमिना जैसे एडजॉप्शन की स्टडी तो डीजी कर्व की हेल्प से सरफेस एडजॉर्पन ऑफ गैसेस स्टडी किए जा सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होगा गैसेस का तो वेट ऑफ सॉलिड क्या होगी इंक्रीज होगी और इंक्रीज इन द वेट विद द टाइम इज कैन बी रिकॉर्डेड फॉर एडजॉर्पन स्टडीज तो एडजॉर्प्शन स्टडीज तो के लिए हम टाइम के साथ साथ वेट के इंक्रीज को स्टडी कर सकते हैं इस तरीके से हम फिजिकल फिनोमिना भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीजी कर्व्स कंक्लूड दी लेक्चर होल लेक्चर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि थर्मोग्रेबीमेट्रिक एनालिसिस आपने देखा किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इस थर्मोग्रेबीमेट्रिक एनालिसिस में हम चेंज इन वेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम और टेम्परेचर नोट कर सकते हैं है वो मेन उसमें थर्मोबैलेंस है फर्नेस के अंदर थर्मो होता है जो की समय के साथ और टेम्परेचर के साथ वेट लॉस को मेजर कर सकता है जो हमने टीजी कर्व पढ़ा और टीजी कर्व वेट लॉस एंड टेम्परेचर के बीच का कर्व है या टाइम के बीच का कर्व है जिसमें आपने देखा कुछ कंपोनेंट होते हैं और अगर वेट लॉस नहीं है तो कांस्टेंट एक कांस्टेंट लाइन आपको दिखाई देगी अगर वेट लॉस है तो आपको लगेगा कि एक स्टीप स्लोप आपको दिखाई देगा मतलब वेट लॉस हुआ है कर्व को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक जो फैक्टर है दैट इज हीटिंग रेट और हीटिंग रेट कैसे अफेक्ट करता है जितना अधिक हीटिंग रेट होगा उतना हायर क्या होगा डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा दूसरा आपने देखा जो इंटरमीडिएट्स हैं इनको भी अफेक्ट करता है हीटिंग रेट फैक्टर आपने देखा बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट करता है टीजी uh, कर्व को टेम्परेचर आप तीसरा फैक्टर आपने देखा फर्नेस टेम्परेचर फेट फरनेस का एटमोस्फियर यानी कोई गैस अगर उसमें प्रेजेंट है जैसे सीयू टू या एन टू तो देट तो कैन अफेक्ट टीजी कर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने देखा सैंपल होल्डर यानी क्रूसिबल की ज्योमेट्री जो है वो अफेक्ट करती है फ्लैट शेप्ड जो क्रूसिबिल होती है इट इज बेटर एज कम्पेयर टू तो दी कोन शेप्ड क्रूसिबिल करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल भी अफेक्ट करती है वेट ऑफ सैंपल जितना कम हम लेंगे उतना अच्छा तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं टीजी कर्व को जितना कॉम्पैक्ट होगा लार्ज साइज सैंपल होंगे उतना हायर डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा और सैंपल सोर्स इट ऑल्सो अफेक्ट दीजी कर्व ज आपने देखे कि कौन से ऐसे एडवांटेज हैं यानी पहला जो एडवांटेज है वो है थर्मल एनालिसिस। थर्मल एनालिसिस की हेल्प से वी वी कैन कैन ड्राइंग टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस थर्मल स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल ये भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं

जिसकी हेल्प से आपने देखा किसी भी अननोन सैंपल का ड्राइंग टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं कंपोजिशन भी पता लगा सकते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ओके okay? छोटे से छोटे सैंपल का आसानी से हम कंपोजिशन भी पता कर सकते हैं ओके सो थैंक यू वेरी मच